हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल लीगल कंसेप्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये लेक्चर है वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट पर है, यानी कि भारतीय न्यास अधिनियम। अब भारतीय न्यास अधिनियम में जो बिहार जुडिशरी में बेसिकली कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि वो मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन तक पूछ सकता है। यानी देखा जाए एवरेज दोनों का, तो कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस लेक्चर में हमने बेसिकली उन सेक्शन को प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि कौन कौन से सेक्शन प्री में पढ़ना है। और अगर आपका ये पेपर ट्रस्ट का पेपर, यानी कि अगर ये आपका मेंस में टीपीए, इक्विटी, ट्रस्ट और सारे के पेपर आपने मेंस में भी लिया है, तो उसके लिए मेंस में भी आप कौन से सेक्शन पढ़ेंगे, मैंने यहाँ पर जो उसके लिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है और किन किन सेक्शन को देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको एक तरीका बताएंगे, क्योंकि इसमें से ही आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रस्ट एक्ट के होते हैं इसी में से पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहले सबसे पहले देखते हैं क्या है ट्रस्ट। इस एक्ट का नाम द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो आपको देखिए ये ईयर का भी याद रखना होगा, क्योंकि कभी कभी ईयर का भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ गलती कर सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली बहुत ही सावधानी से तैयारी करना है, और ज़रा सा मिस्टेक करेंगे आप तो आपके लिए यह बहुत ही यह नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर आपको पता है कि यह है 2/1882, यानी सीरियल क्रमांक जो इसका एक्ट कितना है 2/1882। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखिए पूछ रहा है कि टोटल सेक्शंस कितने हैं। आपको पता है टोटल सेक्शन कितना है, 96, यानी कि कुल 96 धाराएं हैं। ठीक है, और टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल चैप्टर आपको पता है कि 9 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम के लास्ट मोमेंट में या एग्जाम का जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको आप ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है और ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है, उसके बाद देखिए डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, यानी इसके लागू होने की तिथि कब, यानी कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट लागू कब होता है। तो यहाँ पे डेट दिया है कि 1 मार्च 1882, ध्यान दीजिएगा 1 मार्च 1882 को इंडियन ट्रस्ट एक्ट यानी भारतीय न्यास अधिनियम लागू हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखिए अक्सर प्री में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चूँकि इतने सारे एक्ट हैं और इतने सारे एक्ट में कौन एक्ट कब लागू होता है कब नहीं लागू, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या है, यानी इसकी उद्देशिका क्या है। तो यहाँ पर दिया है कि टू डिफाइन एंड टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द प्राइवेट ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज, यानी कि मतलब क्या है कि इस अधिनियम का क्या उद्देश्य है कि परिभाषित करना और संशोधित करना। किसको परिभाषित करना, कि जो विधि है किससे संबंधित, प्राइवेट न्यास और न्यासियों से संबंधित जो विधि है उनको परिभाषित करना और संशोधित करना। इसलिए आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ देखिए पहली बात क्या है कि सेक्शन 2 को रिपीट कर दिया गया, ध्यान दीजिएगा सेक्शन 2 को रिपीट कर दिया, निरसित कर दिया गया है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन से धारा को निरसित कर दिया गया है, व्हिच सेक्शन हैज़ बीन रिपील्ड, तो आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 3 पे आते हैं। सेक्शन 3 में क्या है कि यह इंटरप्रिटेशन क्लाज है। आपको पता है कि इसे बोलते हैं निर्वचन खंड, क्योंकि इसमें उन वर्ड्स को डिफाइन किया गया है जो ट्रस्ट एक्ट में क्या किए गए, यूज़ किए गए हैं। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि धारा 3 में कितनी परिभाषाएं दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल 10 परिभाषाएं दी गई इसमें, माने इस भी ये भी पूछ देता है कि भारतीय न्यास अधिनियम की धारा 3 में कितनी शब्दों को परिभाषित किया गया, आ जाएगा 5, 7, 9, 10। आपको ये भी याद रखना होगा, इतनी सावधानी से आपको तैयारी करना है ताकि आपका एक एक भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। और जब आप एक एक क्वेश्चन को आप गलत नहीं करेंगे तो वहीं से आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेसिकली कितने 10, जैसे ट्रस्ट यानी न्यास की परिभाषा दी गई है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट यानी न्यासी हो गया। ठीक है,
उसके बाद न्यासकर्ता हो गया, ट्रस्टी न्यासी हो गया। इस तरीके से करीब 10 परिभाषाएं हैं, तो आप इसको सेक्शन 3 में जो दिया गया उसको आप एक एक बार देख लेंगे कि बेसिकली किसे ट्रस्ट बोलते हैं, किसे ट्रस्टी बोलते हैं, किसे जो है आथर ऑफ ट्रस्ट बोलते हैं, इसको आप यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि सेक्शन 4, देखिए सेक्शन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री में भी पूछता है, मेंस में पूछता है। तो सेक्शन 4 में देखें क्या दिया है कि इसमें दिया लॉफुल पर्पज, मतलब विधिपूर्ण उद्देश्य, किसी न्यास को सृजित करने में उसका विधिपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द लॉफुल पर्पज ऑफ क्रिएटिंग ए ट्रस्ट। ठीक है, तो अब इसको आप ये जानिएगा कि सेक्शन 4 में जो बातें कही गई हैं वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 में की गई हैं, क्योंकि सेक्शन 23 में भी दिया गया है कि कोई कंसिडरेशन कब लॉफुल होता है, उसका पर्पज कब लॉफुल होता है, कब अनलॉफुल होता है, यानी कि प्रतिफल कब विध विरुद्ध होता है, कब विध पूर्ण होता है, तो इसको 23 में भी दिया गया है। और इसी चीज़ को दिया गया टीपीए के सेक्शन 25 में दिया गया है, इसलिए आप इसको अच्छे से कनेक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि जो बात सेक्शन 4 में लागू होती है वही बात सेक्शन 23 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भारतीय संहिता विधि में और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 25 में लागू होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि उसमें क्या क्या बातें लागू होती है। तो देखिए सेक्शन 23 में भी दिया गया है और यही बात इसमें दिया गया है कि अगर कोई भी ट्रस्ट, अगर उसका पर्पज क्या है, इफ इट इज़ फॉरबिडन बाई लॉ, यानी वो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। पहला पॉइंट क्या है कि वह विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है। दूसरा कह रहा है कि इज ऑफ सच नेचर इफ परमिटेड इट फेल्योर द प्रोविजन ऑफ लॉ, यानी कि ऐसी इसमें न्यास इस बात पर आधारित है कि उसमें जो एग्रीमेंट है वो कैसा है कि अगर उनका इंटरप्रिटेशन किया जाए, अगर उसकी परमिशन दी जाए तो विधि के प्रयोजन को क्या कर देगा, विधि के प्रावधानों को विफल कर देगा। ठीक है, दूसरी बात हो गई। ठीक है, तीसरा दे रहा है कि जो ट्रस्ट है उसका जो पर्पज है वो क्या होना चाहिए, वो फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए, यानी कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए, तीसरी बात दे रहा है। और जो चौथी बात दी गई वो दी गई है कि जो ट्रस्ट है उसका पर्पज क्या है, उसमें किसी पर्सन के बॉडी और प्रॉपर्टी की इंजरी इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, मतलब इट डज नॉट इंक्लूड इंजरी ऑफ एनी पर्सन बॉडी और प्रॉपर्टी, किसी व्यक्ति के शरीर की और संपत्ति की क्षति नहीं होनी, अंतरित नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसा ट्रस्ट जो है क्या हो जाना चाहिए, उसका पर्पज वो लॉफुल नहीं होगा। ठीक है, ये फोर्थ हो गया। और जो पांचवा पॉइंट दे रहा है कि कोर्ट के ओपिनियन में ऐसा ट्रस्ट का पर्पज जो है इमोरल नहीं होना चाहिए, यानी कि अनैतिक नहीं होना चाहिए, और अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं चाहिए, यानी कि लोकनीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ये पांच बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बताती हैं कि ट्रस्ट का पर्पस कैसा है। अगर ट्रस्ट का पर्पस इस पर बेस्ड है तो क्या होगा, वो अनलॉफुल होगा, यानी विधि विरुद्ध होगा। ठीक है, तो हाँ आपको इसको समझ लेंगे, जब आप मेंस में लिखेंगे तो आपको सेक्शन 23 और टीपीए के सेक्शन 25 को थोड़ा सा कनेक्ट करके लिखेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ आपको मेन पॉइंट आपका प्री की तैयारी करना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे आपका सेक्शन 4 हो गया। उसके बाद इस पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ देखिए है कि इंपॉर्टेंट केस लॉ नाइट वर्सेज नाइट का मतलब ये नहीं है कि आप इसको समझ लीजिए कि रात बनाम रात है, ये नाइट वर्सेज नाइट हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका एक ही वर्ड्स होता है। ठीक है, नाइट वर्सेज नाइट में कोर्ट ने क्या हल किया, उसने बताया कि ट्रस्ट के लिए क्या बात होनी चाहिए। तो पहली बात दिया कि इंटेंशन ऑफ ट्रस्टी, मतलब जो न्यासी है उसका आशय होना चाहिए। ठीक है, दूसरा दे रहा है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट, मतलब जो न्यास की विषय वस्तु होनी चाहिए, उसकी विषय वस्तु कैसी है वो इसमें होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पॉइंट दिया है कि पर्पज ऑफ द ट्रस्ट, और जो न्यास है उसका उद्देश्य होना चाहिए, मतलब उसका उद्देश्य धारा 4 में जो वर्णित किया गया उससे इफेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों बातें हैं, तो नाइट वर्सेज नाइट का केस बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्शन 5 में क्या चीज़ें हैं। तो सेक्शन 5 में दिया गया है कि जो ट्रस्ट है वो बेसिकली किस क्या होता है, इमोबल प्रॉपर्टी के लिए होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी अचल संपत्ति का ही न्यास होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, पहली बात होना चाहिए कि ऐसी जो ट्रस्ट किया जाएगा क्या हो जाएगा, वो सिग्नेचर होगा, किस मतलब हस्ताक्षरित किया जाएगा, कौन हस्ताक्षरित करेगा, पहली बात तो जो ट्रस्ट का रचयिता है, आथर ऑफ द ट्रस्ट, यानी कि जिसे न्यासकर्ता बोलते हैं, और जो ट्रस्टी है, जो न्यासी है, दोनों क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, अपना सिग्नेचर करेंगे, अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद वो ट्रस्ट जो है क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा,
रजिस्टर किया जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि लेकिन एक शर्त और भी कि उसको ऐसे ट्रस्ट को बिल के रूप में वो डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, यानी बिल के रूप में उसका घोषणा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये बातें हैं तो सेक्शन 5 से लागू होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि सेक्शन 6 किसकी बात करता है। धारा 6 बात करता है कि क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट यानी न्यास का सृजन कैसे होता है। ठीक है, तो न्यास का सृजन के लिए आपको सेक्शन 5 की चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ ही न्यास के सृजन में भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और साथ साथ जहाँ जहाँ 6 रहेगा, जहाँ जहाँ 5 रहेगा वहाँ वहाँ आपको 4 भी देखना है, क्योंकि 4 बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया सेक्शन 7 दिया है कि हु मे क्रिएट ट्रस्ट, यानी कि हु मे क्रिएट ट्रस्ट यानी कि ट्रस्ट को न्यास को कौन सृजित कर सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में दिया गया है कि पहली बात तो दिया गया है कि इसको आप सेक्शन 11 से कनेक्ट कराएंगे, धारा 11 भारतीय संविधान नियम की, क्योंकि उसमें भी किया गया है कि संविधान करने में सक्षम कौन, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये बातें चीज़ जरूरी होती है। तो यहाँ देखिए क्या कौन सक्षम है। पहली बात दिया है कि पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा व्यक्ति जो संविदा करने में सक्षम होना, यानी कि धारा 11 की शर्तें यहाँ पे लागू होंगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 यहाँ पे लागू होगा, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 कहता है कि हु इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे तीन बातें दिया क्या कि दैट पर्सन मस्ट बी मेजर, यानी कि वो मेजर होना चाहिए। मेजर का मतलब 18 साल का होना चाहिए, लेकिन अगर कोर्ट किसी माइनर का गार्जियन अपॉइंट करता तो वहाँ पे मेजॉरिटी के 21 ईयर्स होती है। इसको आप याद रखिएगा, पहली बात हो गई। दूसरा कि साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब स्वच्छित व्यक्ति होना चाहिए। स्वच्छित व्यक्ति का मतलब क्या होना चाहिए कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ही मस्ट बी साउंड माइंड, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। और साउंड माइंड के क्राइटेरिया क्या है कि ही इज़ एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन व्हाट इज़ द गुड एंड व्हाट इज़ बैड, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, इतना उसको समझने में सक्षम होना चाहिए, तभी माना जाएगा क्या है वो कि वह एक स्वच्छित व्यक्ति है, वह एक साउंड माइंड है। ठीक है, तीसरा ही इज़ नॉट डिसक्वालिफाइड By any law, किसी विद के द्वारा हुआ अयोग्य घोषित नहीं किया गया, तो माना जाएगा क्या वो सक्षम व्यक्ति है। तो यहाँ पे दे दिया क्या है कि वो सक्षम होना चाहिए संविदा करने, यानी तीन चीज़ें उसके ये शामिल होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा देखिए, अगर दिया कि अगर दूसरी कंडीशन कि अगर किसी माइनर को या माइनर की तरफ से कोई न्यास सृजित करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का प्रायर कंसर्न जरूरी होना चाहिए, यानी प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का प्रधान सिविल न्यायालय की पूर्व अनुमति से कोई व्यक्ति जो है वो क्या कर सकता है, माइनर की तरफ से क्या कर सकता है, वो न्यास कर सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन भी होना जरूरी है, अगर उसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है तो उसकी अनुमति की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, यहाँ चीज़ है, यहाँ दो बातें होगी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहली बात समझ में आई कि धारा 11 के तहत वो क्या होना सक्षम होना चाहिए, तीन बातें जो मैंने आपको बताया, और दूसरा कि अगर कोई माइनर को वो करना है न्यास करना है या उसकी तरफ से किसी को करना है तो उसको क्या करना होगा, प्रिंसिपल सिविल कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, उसके बाद आइए सेक्शन 8, ये देखिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है कि सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट क्या होगा, यानी कि न्यास की विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए। तो सेक्शन 8 में दिया गया है कि यहाँ भी दिया है कि सब्जेक्ट ऑफ ट्रस्ट मस्ट बी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल टू द बेनिफिशियरी। पहली बात ध्यान दीजिए कि यहाँ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो बेनिफिशियरी को अंतरणी होनी चाहिए, यानी जो हिताधिकारी है उसके लिए अंतरणी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा होना चाहिए, इसमें दूसरा पॉइंट है कि नॉट मेयर बेनिफिशियर इंटरेस्ट अंडर ए सब्सिस्टिंग ट्रस्ट, और यहाँ पे दे रहा है कि जो नॉट मेयर केवल उसके लिए सिर्फ उस जो ट्रस्ट की प्रॉपर्टी जो एग्जिस्ट करती है उसके लिए केवल बेनिफिशियरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बल्कि उसको वो पूरा भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं जो क्या कहती हैं कि न्यास क्या कर सकती हैं कि सब्जेक्ट ऑफ द ट्रस्ट क्या है, न्यास की विषय वस्तु क्या है। ठीक है, तो ये इस तरीके से देखिए, आप बेसिकली अगर इतना पढ़ लेंगे तो इसी में से आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे, इसी में से दो क्वेश्चन, यानी कि तीन क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, उसी में आपका ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इस परीक्षा में एकदम रिस्क ना लें और पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी से मेहनत से तैयारी करिए, और मेरा चैनल आपको पूरा सपोर्ट करता है, पूरा गाइडेंस करेगा। ठीक है, इसलिए मैंने प्री के लिए और मेंस के लिए भी सेक्शन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर छांट दिया है कि कौन प्री में आएगा कौन मेंस में आएगा, इसलिए आप इसको भी देखिएगा। ठीक है, बल्कि इसको अगर देख लेंगे सारी चीज़ें तो आपका ये मानिए कि दो क्वेश्चन तो कम्प्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी देखते हैं प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए
तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेक्शन में देखिए एक कॉलम बना है प्री के लिए और एक कॉलम बना है मेंस के एग्जाम के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का ट्रस्ट टीपीए और इक्विटी मेंस में भी है, तो उनको लिए ये इंपॉर्टेंट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए पहले हम देखिए क्या देखते हैं, सेक्शन 1, 3, 4, 5 इसको आप क्या करेंगे, इसको आप पढ़ लेंगे प्री के लिए। ठीक है, इसके लिए आप क्या करेंगे, प्री के लिए पढ़ लेंगे। ठीक है, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और दूसरा देखिए क्या है, सेक्शन 6, 7, 8, 9, 10 ये भी प्री में देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। ठीक है, दूसरी बात देखिए आप, फिर सेक्शन 16, 17, 24, 26 यहाँ से भी प्री के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप एक बार फॉर्मल स्टडी कर लीजिएगा, बाकी ज़्यादा परेशान नहीं, बाकी यही सफिशियंट है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप देख लेंगे। तो 16, 17, 24, 26 इसको भी आप देख लीजिएगा आप। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 30, 42, 43 यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के पूरे चांस होते हैं, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं 46, 47, 48 और 54 यहाँ से भी प्री के क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको भी एक बार फॉर्मल स्टडी कर लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिए 68, 69, 71, 72 ठीक है, ये भी सेक्शन प्री के लिए इम्पॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। और 73, 74, 73, 77, 78 ये भी सेक्शन प्री में यहाँ से पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिकली ट्रस्ट के बारे में दिए गए, कोई ट्रस्ट कब निर्वापित होता है, कब प्रतिसंहरणीय होता है, सारा चीज़ें। और लास्ट में आप 84, 85 और 88 ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम मेंस की थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं कि मेंस में देखिए क्या है। मेंस के लिए देखिए जितने भी इसमें सर्किल लगे गए हैं सेक्शन, जिस सेक्शन में सर्किल लगाया गया है वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे सेक्शन 3, 4, 5, 6 ये क्या है, ये सेक्शंस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद देखिए क्या दिया, 7, 8, 9, 10 यहाँ पर भी आपको सेक्शन 8, 9, 10 दिखेगा, ये भी सर्किल में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 31 से 33 यानी चैप्टर 4 में क्या है, ये 31 से लेकर के 36 तक यहाँ भी आपको मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद 43, 44, 45 यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, लेकिन चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ से दिया गया है, 46 लेकर के 50 तक। ठीक है, ये भी आपके लिए मेंस इंपॉर्टेंट है, और इधर 54 भी है। ठीक है, अब उसके बाद 74, 71 से लेकर के 74 तक, यानी कि चैप्टर 7 में दिया है कि धारा 71 से लेकर 74 तक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखिए इन सेक्शन को आप जरूर देख लीजिएगा, 77, 78, 79, 84 अब जैसे 77 दिया है, क्या दिया है कि हाउ ट्रस्ट एक्सटिंग्विश यानी कि न्यास कैसे निर्वापित होता है, तो ये समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और 78 कहता है कि कैसे ट्रस्ट जो है उसका रिवोकेशन होता है, उसका प्रतिसंहरण होता है, यानी 77, 78 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इन दो धाराओं को यानी कि आपको 79 और 84 को भी देखना है, क्योंकि ये सेक्शन आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन दोनों सेक्शन के आधार पर आप ट्रस्ट एक्ट को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और प्री के लिए मैंने बता दिया कि प्री के लिए एक बार इसको जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, और एग्जाम के लास्ट टाइम आप लास्ट एक दिन पहले अगर इसको दोहरा लेंगे आपके 2 क्वेश्चन गारंटी के साथ मिलने वाले हैं। तो इस तरीके के बेसिकली तैयारी करना है। ठीक है, और इसके साथ साथ एक बात और बताऊँगा आप लोगों को, क्या कि जब आप तैयारी कर रहे हैं अब, क्योंकि दिन धीरे धीरे कम होते जाएंगे, यानी कि उल्टी गिनती शुरू होगी, और आपको ये ध्यान देना है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, कंट्रोल रखना, अपना पेशेंस रखना है। ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास करना है, और उसके साथ साथ ईश्वर पर विश्वास करना है। इनके साथ अगर आप तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे, आपको सफल होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। थैंक यू।